दोस्तों क्या आप जानते हैं मक्का मदीना में हज की यात्रा करने वाले मुसलमान अपना सर गंजा क्यों करवाते, और क्या आपको पता है मक्का मदीना में हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता, और क्या है ब्लैक स्टोन जिसे श्रद्धालु मुसलमान छूते हैं और चूमते हैं, और क्यों हज की यात्रा करने वाले लोगों को ही पिलाया जाता है जमजम का पानी। दोस्तों सऊदी अरब के मक्का में श्रद्धालु एक बार फिर काबा के पवित्र काले पत्थर को छू और चूम सकते हैं। कोविड-19 की वजह से काबा के चारों ओर घेराबंदी कर दी गई थी और जो अब हटा दी गई है, जिससे श्रद्धालु काफी उत्साहित और खुश है, और वह इस पवित्र काले पत्थर को छू कर दुआ कर रहे। काबा से लगभग 30 महीने के बाद ये घेराबंदी हटाई गई है और ये कदम उमरा की यात्रा से ठीक पहले लिया गया। लेकिन ये उमरा क्या होता है? हज की तरह उमरा में मुसलमान मक्का की यात्रा कर प्रार्थना करते। ये हज से इस मायने में अलग है कि हज यहाँ एक विशेष महीने में किया जाता है, लेकिन उमरा साल में कभी भी किया जा सकता है। दोस्तों उमरा के दौरान हज में कई धार्मिक कर्मकांड किए जाते हैं। उमरा के लिए दुनिया भर से करोड़ों मुसलमान मक्का की यात्रा करते हैं, और इसमें से बहुत सारे लोग मक्का के पास से स्थित मदीना की भी यात्रा करते हैं। सऊदी अरब ने इस साल कोरोना महामारी की वजह से लगाए गए ज्यादातर प्रतिबंधों को हटा लिया है। इस साल यानी कि 2023 में हज यात्रा 7 से 12 जुलाई तक हुई थी, और इसमें कोरोना महामारी के बाद लगभग सम्मानित संख्या में लोग मक्का पहुंचे, जबकि साल 2020 में हज भर जाने के लिए सिर्फ 1000 लोगों को परमिशन मिली थी, और उस साल सिर्फ सऊदी अरब के लोग ही हज यात्रा कर सके थे। दूसरे देशों के लोगों पर मक्का की यात्रा करने पर रोक कर लगा दी गई थी, और साल 2023 में हज यात्रियों की संख्या बढ़कर 60,000 हो गई, और इस साल लगभग 10 लाख लोगों ने मक्का पहुंचकर हज किया। लेकिन ये ब्लैक स्टोन क्या है जिसे श्रद्धालु छूते हैं और चूमते हैं? दोस्तों इस्लाम में काला पत्थर या ब्लैक स्टोन काबा के पूर्वी कोने में लगा एक ब्लैक पत्थर है। ये पत्थर दिखने में भले ही छोटा है, लेकिन इसका महत्व बड़ा है। ये पत्थर चारों ओर से चांदी के फ्रेम से जड़ा हुआ है, और अरबी भाषा में इस पत्थर को अल हजर अल अश्वद कहा जाता है। और मक्का पहुंचने वाले मुस्लिम तीर्थयात्री काबा पहुंचने पर जिन तरीकों से दुआएं करते हैं, उनमें इस पवित्र पत्थर को छूना और चूमना भी शामिल है। और ऐसा माना जाता है कि ये पत्थर आदम यानी अदम हवा यानी एक के जमाने के, और जिन्हें दुनिया का पहला आदमी और औरत माना जाता है। इस ब्लैक स्टोन को इस्लाम की वजह से पहले से ही पवित्र माना जाता था, और ये भी माना जाता था कि ये पत्थर मूलतः सफेद रंग का था, लेकिन इसे स्पर्श करने वाले लोगों के पापों का भार उठाने की वजह से इस कारण काला हो गया। सऊदी अरब में मौजूद मक्का पूरी दुनिया के मुसलमान लोगों के लिए एक पवित्र धर्म स्थल है, और इस्लाम को मानने वाले हर एक शख्स के लिए जीवन में कम से कम एक बार हज करना जरूरी माना जाता है। बस शर्त यही है कि उसके पास इसके लिए सुविधा हो और वो शारीरिक रूप से सक्षम हो। मक्का पहुंचने के बाद मुसलमान श्रद्धालु मस्जिद अल हरम चाहते और 7 बार काबा के चक्कर लगाकर दुआ और अल्लाह की प्रार्थना करते हैं, और इसके बाद श्रद्धालु वहां पर कई और धार्मिक आयोजनों में भी हिस्सा लेते हैं। हज के लिए सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का की यात्रा करने वाले यात्री मक्का से लगभग 450 किलोमीटर दूर मदीना शहर भी जा सकते हैं। मदीना में मस्जिद है, नौवी है, और यहाँ पर श्रद्धालु नमाज अदा करते हैं। लेकिन मदीना की यात्रा हज का जरूरी हिस्सा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो मस्जिद मौजूद है उसे खुद पैगंबर मोहम्मद ने बनवाया था, और इसी वजह से हर मुसलमान इस काबा के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्थल मानता है, और यहीं पैगंबर हजरत मोहम्मद की मजार भी है। हज यात्री उसके भी दर्शन करते हैं।